हारमोनियम बजाने में, किसी की संगत करने में और उसको किसी को गवाने में क्या फ़र्क होता है? ये तीन तरीक़े हैं जिसमें कि हारमोनियम बजता है, तो इन तीनों के सलीक़े में, इन तीनों के अंग में क्या फ़र्क होता है? आज हम उस चीज़ को जानेंगे कि सिर्फ एक हारमोनियम बजाना है, एक तो आप सोलो बजा रहे हैं, एक आप किसी की संगत कर रहे हैं, है ना, या लहरा दे रहे हैं, या यू नो संगत कर रहे हैं, कोई गा रहा है तो उसके पीछे पीछे बजाते हैं क्लासिकल में या फिर किसी भी लाइट म्यूज़िक में, और एक होता है किसी को गवाना, यानी ग्रुप में अगर आपके बच्चे बैठे हैं और उनको आप गवा रहे हैं हारमोनियम बजा कर, लीड कर रहे हैं, और या फिर किसी बिगनियर को आप गवा रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या फ़र्क होता है तीनों स्टाइल्स में, आज उस पर हम जानेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको फ़र्क मालूम चलेगा। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। मैं तो मर कर भी तुझ में समा न सकूं, लाख कोशिश करूं तुझको पा न सकूं, कैसे पाऊं तुझे और जाऊं कहां। मैं हूं जमी तू आसमां, मैं हूं जमी तू आसमां, होगा मिलन कैसे यहां। ये अभी अभी जो आपने गीत सुना, हरिजा पांडे, ये मेरी सिस्टर हैं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपको अभी अभी सुनाया। ये कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत मेरी है और बाकी पिताजी की है, और उन्हीं के शब्द हैं पिताजी के। ये ऑलरेडी भी मैं गा चुका हूँ, इसे आप ज़रूर सुनिएगा। आइए अब बात करते हैं उसी टॉपिक पर कि हारमोनियम बजाने में और किसी को गवाने में क्या फ़र्क होता है। ये चीज़ मैंने अपने पिता गुरु और अपने दादा गुरु जी से सीखी है। मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे और दादा गुरु जी पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी। हारमोनियम देखिए एक साज है जो कि मदद करता है हमारी, है ना, हमारा एक हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प कैसे कैसे आप कर सकते हैं उस पर निर्भर करता है, एक सलीका होता है बजाने का। जब ये तो मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटल अंग और गायकी अंग में क्या फ़र्क होता है, कि एक तो हारमोनियम ऐसे बज रहा है, ये इंस्ट्रूमेंटल अंग है, इसमें आपने देखा हर स्वर अलग अलग लग रहा है ना, है ना, ये हर सुर अलग अलग लगा के उसको कट 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 करके बजा के, ये इंस्ट्रूमेंटल अंग होता है। और जब इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम बजता है तो उसकी आवाज़ भी अलग होती है, वो हारमोनियम ही अलग आते हैं, है ना, पतली आवाज़ होती है जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम के लिए यूज़ होता है, है ना, या फिर आप स्केल चेंजर का भी इस्तेमाल करें तब भी पतली जो आवाज़ होती है। अगर हम क्या बोलते हैं नियमों की बात करें या साउंड की बात करें कि कैसा अच्छा लगता है, है ना, जैसे कि गायकी का स्टाइल अलग होता है, है ना, भजन गा रहे हो तो अलग गाएगा, गज़ल अलग अंग से गवती है, क्लासिकल अलग अंग से, और ठुमरी तो अलग ही अंग से गवती है, दादरा अलग अंग से गवती है। तो ये जैसे गायकी के अलग अलग स्टाइल हैं, वैसे हारमोनियम प्लेइंग के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। एक तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल, एक होता है गायकी स्टाइल, जैसे अब मैं कुछ गाता हूँ तो मैं कैसे बजाऊँगा। आप देख रहे हैं मैं जो हारमोनियम पीछे बजा रहा हूं उसमें एक भराव मिल रहा है, गायकी को एक मदद मिल रही है। आप खाली हारमोनियम सुनिए जो मैंने अभी गाया उसका, जिसको हम घिसमा हारमोनियम भी कहते हैं, कि जैसे हर एक सुर चिपक चिपक के चल रहा है, एक भराव मिल रहा है, टूट कहीं भी नहीं रहा है। अब यही गायकी के साथ में अगर इसमें कितना खालीपन है, खाली सुनिए इस हारमोनियम को,
है ना। आपने सुना कितना ब्लैंक है ये, ये होता है इंस्ट्रूमेंटल अंग, जिसमें कि भराव की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी है वहाँ आप उस हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन गायकी में तो फुल भराव चाहिए था, पूरा सपोर्ट चाहिए रहता है कि गायकी के साथ साथ चले और भराव मिलता रहे, अगला सुर पहले ही मिल जाए उसको, है ना। तो ये होता है गायकी के साथ, जब आप खुद बजाते हैं हारमोनियम तो ऐसे बजता है। अब अगर किसी की संगत कर रहे हैं और किसी को गवा रहे हैं, ये आज का मेन टॉपिक है। उससे पहले का ये तो ब्रीफ है, भूमिका बांधी है मैंने। किसी को जब आपको गवाना होता है तब आप हारमोनियम आगे आगे चलाते हैं उसके, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है, वहाँ पे आप लीडर हैं। ये एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक लीडर जो होता है वो हमेशा आगे चलता है और उसके फॉलोअर्स उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि लीडर उसको राह बता रहा है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, गाइड कर रहा है उसे कि कौन सा रास्ता चुनना है कौन सा नहीं चुनना है। तो फॉलोअर वही करेगा जो लीडर करेगा, है ना। फॉलोअर को नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे अगला सुर कौन सा लगाना है, है ना। वो बिगिनर है एकदम। तो उसको जब आपको गवाना होता है ना, यानी लीड करना होता है, तो एक कदम आगे चलना होता है। यानी जब भी जो भी बज रहा है उसको पहले ही आपको वो सुर देना होता है कि ये तुम्हारा सुर रहेगा, है ना। तुम ये कॉम्पोजिशन मेरी है, मैं तुम्हें गवा रहा हूँ, ग्रुप में गवा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक कोऑर्डिनेशन बिठाना है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रुप में तो फिर इंडिविजुअल सब अलग अलग गाने लग जाएंगे, कोई वो सुर पहले ही लगा देगा जो साथ में लगना चाहिए था। तो इसीलिए आपको हारमोनियम हमेशा थोड़ा सा आगे रखना पड़ता है। और ये बातें आपको मैं बता सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये तजुर्बा हो जाए उसके लिए आपको वो सिचुएशन में होना ज़रूरी है, आपको वो ग्रुप को गवाना ज़रूरी है, तब जाके आप इसे समझेंगे, और प्रैक्टिकली जब वो नज़र आएगी तब आप समझेंगे। लेकिन हाँ, ये मैं इसकी एक आइडियोलॉजी आप तक पहुँचा सकता हूँ कि ये एक चीज़ होती है, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल देखें। जब आप किसी की संगत कर रहे हैं तो संगत करना यानी एक कदम पीछे चलना, है ना। जो वो गा रहा है आप उसको सुन के बजा रहे हैं, है ना, आप उसको नहीं गवा रहे हैं, वो गा रहा है, वो अभी प्रधान है, वो प्रायोरिटी, वो ऊपर है, और वो आप उसके हल्का सा नीचे हैं। ऊपर नीचे इन द सेंस मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ कि आप वो सुपीरियर है ना, आप इन्फीरियर, ये नहीं बता रहा हूँ। मैं एक लेवल ऑफ सिंगिंग बता रहा हूँ कि वो सिंगिंग आगे रहती है और हारमोनियम पीछे चलता है ना, सीधी बात, आप उसकी संगत कर रहे हैं, है ना, आप उस पर आधारित हैं कि वो जो गाएगा वो आप बजाओगे, तो इसीलिए आप एक कदम पीछे चलते हो, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि तब आप लीडर नहीं, तब वो लीडर हैं, तब आप उसको फॉलो कर रहे हो, इसीलिए उसको संगत कह रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी को गवा रहे हो तो आप आगे रहते हो। अब जैसे मैंने गाया ये इतना चिपक के चलना होता है, ये जैसे ही मैंने गा के खत्म किया उस सुर पे मैं आ जाऊंगा, उसी संगत को, उसी स्वर संगति को गा के, एकदम चिपक चिपक के चलना होता है। ये तो मैं अभी खुद के साथ करके बता रहा हूँ, लेकिन जब किसी की गायकी को फॉलो करते हैं तो इतना चिपक के चलना होता है, तो पीछे चलना होता है। लेकिन जब ग्रुप को गवा रहे हैं तो आपको लीड करना है आगे, और वही भराव के साथ। ऐसा नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंटल हारमोनियम नहीं, ये वाला हारमोनियम नहीं चलता वहां पे, ये पूरा भराव जाता रहेगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये किसी बिगिनर के लिए नहीं है, ये ऑलरेडी सीखे हुए व्यक्तियों के लिए हैं, क्योंकि वही इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अभी एक बिगिनर को तो हारमोनियम बजाना ही नहीं आया है, तो वो इस फर्क को कैसे महसूस करेगा कि कैसे गायकी का हारमोनियम होता है, क्या इंस्ट्रूमेंटल का, और क्या किसी को गवाने का हारमोनियम होता है। लेकिन हाँ, इसमें एक फ़र्क होता है, ये मैं उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत हारमोनियम बजाना जानता था, तभी मैंने ये चीज़ जानी, तभी मैं समझ पाया कि अच्छा ऐसे ऐसे फ़र्क रहता है, कि किसी की संगत करने में अलग होता है और वो अलग होता है। वरना हम तो तीनों को एक ही जैसा बजा रहे हैं तो फिर गाने वाले को मदद ही नहीं मिल रही है ना। जब आप किसी की संगत करते हैं तो उसको इतनी बारीकी से सुनना होता है कि एग्जैक्ट उसने जो गाया वो आप बजा दीजिए, और धीरे धीरे कलाकार तो इतने लेवल तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें आभास हो जाता है, उन्हें मालूम होता है कि अगला सुर उसका कौन सा लगेगा, तो वो पहले ही दे देते हैं। तो इसमें वो जो गायक है वो इतना खुश होगा कि अरे यार मुझे मदद मिल गई, मेरी उपज, मेरी सोच को ये समझ गया जो मेरी संगत कर रहा है, भले वो तबले वाला हो, सारंगी वाला हो, सितार वाला हो, साथ में या हारमोनियम वाला हो। तो उसकी सोच तक आपको पहुंचना होता है, है ना। और जब ग्रुप गवरा है तो आपको अपनी सोच उन तक पहुंचानी कि ये देखो ऐसे गवना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो आपको फॉलो कर रहे हैं ना, जाहिर बात है आप उनको लीड कर रहे हो, तो लीड करने के लिए तो आपको जाहिर है एक कदम आगे ही रहना होता है, और जब किसी को फॉलो कर रहे हो, संगत कर रहे हो, तो एक कदम पीछे रहना होता है। ठीक है, बस ये कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, जानी हैं, जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। बस ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रो वर्ल्ड के चैनल को, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक टॉपिक मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। शुक्रिया।